दोस्तों नमस्कार, मैं नीलम कुमार सिंह आज आपके सामने मैं इलेक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं इसी वित्तीय वर्ष में होने हैं और 10 मार्च तक सभी रिजल्ट भी आ जाने हैं। उत्तर प्रदेश इन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट हैं, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट हैं, पंजाब में 117 विधानसभा सीट हैं, मणिपुर में 60 हैं और गोवा में 40 सीट हैं। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं केवल डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर सभी उत्तर प्रदेश से गए। वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के बनारस से ही आते हैं और बनारस के ही वो लोकसभा सांसद भी हैं। जाहिर बात है कि इतना महत्वपूर्ण प्रदेश उसकी सत्ता कोई भी खोना नहीं चाहेगा। 2017 से वर्तमान सत्ताधारी दल राज्य कर रहा है, 2022 में उसकी अग्नि परीक्षा होनी है। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी का शासन रहा है, उससे पहले 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा है और उससे पहले मिलीजुली सरकारों के शासन रहे हैं। प्रत्येक चुनाव में चीज़ें बदलती रहती हैं, स्थितियाँ बदलती रहती हैं और जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र विकसित होता जा रहा है उसी तरह से हमारे लोकतंत्र की विशेषताएं भी बढ़ती जा रही हैं, लोगों की सोच बढ़ती जा रही है, जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और हमारे शासक दलों पर जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि सभी चैनल अपना अपना सर्वे बता रहे हैं, कोई एग्जिट पोल बता रहा है, कोई ओपिनियन पोल बता रहा है। अभी एग्जिट पोल तो नहीं आए हैं लेकिन कोई ओपिनियन पोल बता रहा है, कोई इंटरव्यू कर रहा है, कोई परसेप्शन बना रहा है और तरह तरह की चीज़ें सभी चैनल अपने स्तर से कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो चैनल बता रहे हैं उनमें कुछ के अपने स्वार्थ भी हैं। सर्वे वो बताए जाते हैं जो सर्वे करवाने वाला चाहता है, बहुत स्वाभाविक भी है, जिसने पैसे दिए हैं उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यद्यपि सर्वे बहुत निष्पक्ष होने चाहिए लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाता है। इसके अलावा चैनल्स हैं, इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है। ये भी ध्यान रखने की बात है किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग नुकसानदायक भी होता है। वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कोरोना काल है, कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है, बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है, इसको तीसरी लहर भी कह सकते हैं और आज ही भारत सरकार ने इसको सामुदायिक फैलाव का भी दर्जा दे दिया है, मतलब सामूहिक स्वरूप कोरोना ने या ओमिक्रॉन ने प्राप्त कर लिया है। इन सब विषम परिस्थितियों के बीच में चुनाव हो रहा है। चुनाव कराने की मूल रूप से जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है जो कि संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये निर्णय होता है कि कौन अगला सत्ताधारी दल होगा। हमारा काम ये है कि हम निष्पक्ष रूप से एनालिसिस करें और उसके बाद ये निर्णय करें कि किसको सत्ता में आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। सामान्यतः जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं जिसमें आजकल एक नया नाम प्रचलित हो गया है जिसको गोदी मीडिया का नाम कहा जाने लगा है, हालांकि मैं इस तरह के नामों से बहुत सहमत नहीं हूँ लेकिन फिर भी जो प्रचलन में है गोदी मीडिया और इसके अलावा जो और पत्रकार हैं जो अपना स्वतंत्र मीडिया चलाते हैं जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है, आजकल यूट्यूब पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत यूट्यूब भी इस तरह के चैनल चला रहे हैं जो अपने अपने ढंग से डिबेट चलाते हैं। डिबेट में अधिकांश तो कॉमन लोग ही होते हैं
और अपने अपने ढंग से वो प्रस्तुतिकरण करते हैं। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अपने अनुभव से बात करते हैं, बहुत सारे लोग आंकड़ों पर बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि चुनाव में जनता भागीदार होती है, निर्णय जनता के हाथ में होता है और जनता किस आधार पर निर्णय करती है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर लगा सकते हैं, सामाजिक स्थिति के आधार पर लगा सकते हैं, डेमोग्राफी के आधार पर लगा सकते हैं और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो परसेप्शन बनाया जाता है उसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के आधार पर, अन्य आधार पर, इस तरह मैंने जो वर्गीकरण किया है उसके हिसाब से 8 आधार बनते हैं जिनके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि वर्तमान में चुनाव किस ओर जाएगा और ऊंट किस पर बैठेगा। सभी पार्टियां जो भी चुनाव मैदान में हैं अपने अपने तरह से मतदाताओं को लुभाने का काम करती हैं और कर भी नहीं है। उस परिस्थिति में हमें देखना होगा कि हम किस तरह से उसको एनालाइज करें, विश्लेषित करें ताकि हम सही नतीजे पर पहुंच सकें। इस सही नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें सभी को एक तरह से देखना होगा, क्योंकि तो समाज का ताना बाना इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल होता है कि उसके आधार पर किसी भी निर्णय पर बहुत आसानी से पहुंच जाना उचित नहीं होता। इसीलिए हम आपके सामने जो विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे उसमें प्रत्येक आधार पर अलग अलग हम निर्णय प्रस्तुत करेंगे और आपके सामने हम इस तरह के विश्लेषण लाते रहेंगे ताकि आप वास्तविकता को समझ सकें। तो जो 8 तरह के निर्णय मैंने देखे हैं उससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बता दूँ। चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो इससे जाहिर बात है कि हमें उत्तर प्रदेश ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण प्रत्येक दृष्टिकोण से है, चाहे हम उसको डेमोग्राफिकली देख लें या सामाजिक दृष्टिकोण से देख लें। यदि ये देश के रूप में रहा होता दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता, हम इस बात से समझ सकते हैं, और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी हमारा प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार 20 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अगड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, हर तरह के लोग इस प्रदेश में रहते हैं, अनेकों भाषाएं रहती हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। इस प्रकार यहाँ का एक जो ताना बाना है बहुत जटिल है। उस जटिल ताने बाने के बीच में हमें ये तय करना है कि हमें किस तरह से हम विश्लेषित करें कि हम वास्तविक स्थिति पर पहुंच सकें। यदि वास्तविक स्थिति तो निकल कर 10 मार्च को ही आएगी जिस समय जनता का निर्णय हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले चूंकि मानव प्रवृत्ति है, सोचने की प्रवृत्ति है और विश्लेषित करने की प्रवृत्ति है, हमें आगे की जानने की प्रवृत्ति होती है, इससे आवश्यक है कि हम इस पर विचार करें और सभी लोग इस पर विचार कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासित कर सकता हूँ कि मेरा जो विश्लेषण होगा वो पूरी तरह से मानव आधारित निष्पक्ष विश्लेषण होगा। मैं मानव आधारित इसलिए कह रहा हूँ कि मानवीय कमियों से दूर शायद कोई नहीं रह पाता है, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि हम मानवीय कमियों से यथासंभव दूर रह सकें और आपके सम्मुख निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत कर सकें। अगर हम अपने यहाँ चुनाव की इतिहास पर नज़र डालें तो 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसका पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे, उसके बाद हर 5वें वर्ष चुनाव होते रहे हैं। बीच में कुछ वर्षों में जब 1965 में चीन के साथ युद्ध हो गया था, 1971 के बाद कुछ समस्या आ गई थी, 77 में समस्या आ गई थी, 79 में कुछ समस्या आ गई थी, इस तरह की समस्या होने के बीच में जो चुनाव होते रहे हैं, अन्यथा सामान्यतः हर 5वें वर्ष चुनाव होते हैं। पहले विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे सॉरी, लेकिन कुछ इस तरह की संगतियां आने के बाद हमारे यहाँ चुनाव लोकसभा के अलग होने लगे और विधानसभा के अलग होने लगे। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर हम धर्मवार बात करें, जो बहुसंख्यक धर्म है यहाँ का, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, उसके लगभग 80% लोग रहते हैं। जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक धर्म है
जिसको मुस्लिम धाम कहते हैं उसके 20% लोग रहते हैं, और बाकी जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, सिख धर्म के 0.6% लोग रहते हैं। इस तरह बहुत कम परसेंटेज है, 1 से कम% में लोग अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो विकसित धर्म है, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है, वो है जैन धर्म, जिसके 0.94% लोग शिक्षित हैं। सेक्स रेशियो भी उत्तर प्रदेश का 912 है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें सेक्स रेशियो ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ऐसे बहुत कम, केवल 4 जिले ऐसे हैं जहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है। बाकी उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो 912 है, और यहाँ की लिटरेसी भी 66.76% है। तो ये हमारे आंकड़े हैं। इसके अलावा हमारे आंकड़ों में जो जाति वाले आंकड़े लिए जाए, हालांकि जातिगत गणना नहीं होती है, फिर भी मोटे मोटे तौर पर हमारे यहाँ लगभग 20% शेड्यूल कास्ट हैं। 20% में भी 16% एक वैसे जात का नाम लेना मैं बहुत पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी शेड्यूल कास्ट में जो 16% लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर 54% लोग हैं वो चमार जाति के हैं शेड्यूल कास्ट में। बाकी जातियाँ लगभग 1% से नीचे ही हैं। 2-3 जातियाँ जैसे गौंड जाति है, और क्या कहते हैं, धोबी समाज के लोग हैं, कोरी समाज के लोग हैं, ये 1% से कुछ अधिक हैं। बस मुख्यतः जो हमारे यहाँ चमार जाति है वो 54% है, बाकी सारी जातियाँ जो शेड्यूल कास्ट की हैं वो 1%, 1.8% या 1% से कम में आ जाती हैं। तो जिनको अति पिछड़ी जातियाँ कहते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है वो इस प्रकार का बना हुआ है, और 14.2% हमारे यहाँ अगड़ी जातियाँ, और पिछड़ी जातियों की अगर हम बात करें तो टोटल जनसंख्या का 44% पिछड़ी जातियाँ हैं। ये सब आंकड़े में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2011 के आंकड़े हैं, उसके बाद जनगणना भी नहीं हुई है। अगर हम इसमें वृद्धि दर हमारे यहाँ जो जनसंख्या की रही है, 51 में कोई वृद्धि दर का गणना नहीं हुई थी, 51 के बाद 61 में जनगणना की हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, 2001 में हुई, 2011 में हुई। इस समय जो हमारे यहाँ रेट है वो है 20%। इससे पहले वर्ष में 25% था, उससे पहले 25% था, और उससे भी पहले 21% था। तो इस प्रकार अगर हम ये मान लें हमारे 20% वृद्धि है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी। और जो 2022 में अर्थात वर्तमान वर्ष में जो हमारे यहाँ वोटर है, नए वोटरों सहित, वो 15.2 करोड़ लोग हैं जो वोट डालेंगे, जबकि यही वोटर्स की संख्या 2017 में 14.71 करोड़ थी। तो इस प्रकार जो हमारे कुछ वोटर बढ़े भी हैं, इसमें युवा वोटरों की संख्या अधिक है, और जो वोटर टर्नआउट रहा है वो पिछले वर्षों में लगभग 55 से 60% रहा करता था। अगर हम उसी आधार को मान लें और उसमें वृद्धि दर भी स्वीकार कर लें, क्योंकि वोटरों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जनता में जागरूकता बढ़ी है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस वर्ष वोट प्रतिशत कुछ अधिक होगा। मेरे अपने दृष्टिकोण से, अपने विचार से, अपनी सोच के अनुसार ये वृद्धि दर 5% की होगी, अर्थात इस वर्ष 60 से 65% वोटर्स का टर्नआउट होगा। इस वर्ष चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय भी बढ़ा दिया है, परिस्थितियां बदली हुई हैं, मौसम बदला हुआ है, मौसम बहुत ठंडा है लेकिन चुनावी माहौल बहुत गर्म। सभी दल अपने अपने टिकट बांटने में जुटे हुए हैं, अपने प्राथमिकताएं बताने में जुटे हुए हैं, अपने काम बताने में जुटे हुए हैं, और कुछ लोग अपना विज़न बताने में जुटे हुए हैं। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जो वर्तमान में प्रदेश में जो
पार्टियां प्रासंगिक हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे धनवान पार्टी भी है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को ले सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख दल है। तीसरे स्थान पर हमने रखा है बहुजन समाज पार्टी को जो कतिपय जातियों से मिलकर बनी हुई है। चौथे नंबर पर हमने कांग्रेस को रखा है। यदि कांग्रेस अपनी धरातल खोती जा रही है, पुनः अपने धरातल को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। और पांचवें नंबर पर है राष्ट्रीय लोकदल जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी है। और इसके अलावा अगर हम कार्मिकों के हिसाब से देखें, हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो तरह के लोग हैं। एक तो वे हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, मजदूरी पर आधारित हैं। दूसरे वो हैं जो प्राइवेट रोजगार पर आधारित हैं। और तीसरे वो हैं जो सरकारी रोजगार पर आधारित हैं। सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, सभी की सरकार से कुछ कुछ अपेक्षाएं हैं। प्रत्येक क्षेत्र में ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और अपने स्तर पर काम कर रही हैं। तो इनको दस्तखत रखते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हमारे सामाजिक स्तर पर जो लोग हैं वो किस तरह से गवर्न होते हैं, किस तरह से अपने नेताओं को स्वीकार करते हैं, ये भी प्रत्येक वर्ष बदलता जा रहा है। पहले कहा जाता था कि नेता आधारित राजनीति होती है, लेकिन अब नेताओं को भी इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप प्रत्येक चैनल में सब में देख रहे होंगे और ये पा रहे होंगे कि प्रत्येक नेता भी अपने अपने स्थान पर परेशानी अनुभव कर रहा है। तो मैंने ये आपको एक बैकग्राउंड बता दी है। इस बैकग्राउंड में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा चुनाव प्रभावी हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वादे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लुभाने के लिए काम कर रही हैं, किस किस तरह से भावनाओं को भी उभारने का काम किया जा रहा है, हमारे संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको हर एक नए एपिसोड में आपको नई नई चीज़ बताता रहूँगा और कुछ हाइलाइट्स भी बताता रहूँगा। फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, तो अपने बैकग्राउंड में चीज़ों को रखते हुए मैं आपको अगले एपिसोड में आपको स्पष्ट एनालिसिस बताऊँगा कि किस तरह से हमारे यहाँ जो चुनाव होने वाला है, जो कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में होगा, मणिपुर में 2 चरण में होगा, बाकी जो 3 राज्य और बचे हैं उनमें 1 चरण में होगा। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं वो 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होने हैं। 10 मार्च को सभी राज्यों के सभी जगहों के चुनाव की गणना की जाएगी और गणना के बाद रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। और लंबे समय से जो राजनीतिक पार्टियां प्रयासरत हैं, मेहनत कर रही हैं, जनमानस प्रयास कर रहा है और बदलाव चाहता है अथवा वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है, ये सब 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने विश्लेषण का भी विश्लेषण करेंगे कि हम इस विश्लेषण को कितना सही ढंग से आपके साथ प्रस्तुत कर पाए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रथम एपिसोड जो कि चुनाव के ऊपर आधारित है समाप्त कर रहा हूँ। और आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो होगा वो यथासंभव निष्पक्ष होगा। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, लाइक करें। और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो भी ज़रूर से बताएं कि आप हमारे वीडियो क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। पुनः इस अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।